साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गो मांस खिलाया जा रहा है, बर्दाश्त से बाहर है। जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। तो एलिगेशन आया, ये गंभीर रूप से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देश का एक बड़ा ही पवित्र धर्म स्थल है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, लेकिन वहां के प्रसाद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर जानवरों की जो वसा है वो पाई गई है, यानी एनिमल फैट इसके अंदर पाया गया है, और कई तरीके के आरोप और चर्चाएं इसको लेकर शुरू हो गए हैं। लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए इस मामले पर स्पष्टीकरण बहुत जरूरी हो जाता है। और इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बी मदन मोहन रेड्डी, जो कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की नॉर्थ इंडिया कमेटी के प्रमुख भी रहे हैं और लंबे समय से इस देवस्थान से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका amarujala.com में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि ये आरोप जो लग रहे हैं बहुत गंभीर आरोप हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम आरोपों को लेकर कि क्या मंदिर के मिलने वाले प्रसाद में, जो कि देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग कोनों में भक्तों तक पहुंचता है, उसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल? जी नमस्कार। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स का सेंटिमेंट मैटर है, ये पुराना 100 साल से ये महाप्रसाद लड्डू तिरुमला तिरुपति बालाजी का पूरा वर्ल्ड में चल रहे हैं। जो एलिगेशन आया ये गंभीर रूप से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये जो पवित्र मानता है हर हिंदू, तिरुमला जाने का बाद वो लड्डू प्रसाद अमेरिका भी ले जाके घर में अगल बगल लोगों को प्रसाद बांटता है। जो अभी कोई व्यवस्था परमानेंट करना चाहिए, हर समय में लड्डू बनाते टाइम कोई फूड टेस्टिंग लैब होना चाहिए। ऐसा एलिगेशन मेरा ख्याल से कोई जानबूझ के नहीं करता, कहीं से सप्लायर्स कोई मिस्टेक किया है, इसमें कौन है रेस्पॉन्सिबल, उनका ऊपर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सर मैं ये सवाल तो जनता पूछ रही है और आप लोगों से पूछ रही है जो कि मंदिर के प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग हैं, और प्रबंधन समिति के देखरेख और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा घी ऐसी वसा टेस्टिंग क्यों नहीं हुई, और ये आरोप खुद मुख्यमंत्री लगा रहे हैं आंध्र प्रदेश के। नहीं, कोई जो वहां पे पंडित ब्राह्मण विशेष ब्राह्मण बनाते हैं, कभी वो लोग ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ऐसा हुआ बोल के भी वो लोग, उनको पूरा जानकार है कैसा प्रिपेयर करते हैं घी का स्मेल, वो कुछ 100 सालों से देख रहे हैं वहाँ प्रिपेयर करने वाला, कभी इसके ऊपर सरकार के सामने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लाया। और जो पहले जो बोर्ड चेयरमैन है चैलेंज किया है, हम लोग कोई ये काम नहीं किया, अगर किया बोल रहा तो आप तिरुमला आके भगवान का सामने बोलिए। तो ये चीज जो है, ये जो चैलेंज दिया गया है कि जो भी आरोप लगा रहा है वो खुद बालाजी के सामने आए और बालाजी की मूर्ति को छूकर इस मामले में शपथ कहे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सही आरोप है। लेकिन देखिए ये तो दोनों तरफ से बातें हो रही है ना, बोलिए बोलिए बोल रहे, और पूरा दुनिया में हिंदू लोगों का सेंटिमेंट को लेके पॉलिटिसाइज करना ये अच्छा बात नहीं है। कोई भी किया तो ये चीज को गंभीर रूप से इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन कौन इन्वेस्टिगेट करेगा मदन मोहन रेड्डी जी, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, क्योंकि सबसे पहले तो मंदिर ट्रस्ट आता है। अभी अभी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, गवर्नमेंट है, उनका टेस्ट लैब में जाके देखना है ये कौन किया है, पकड़ना है ये जो किया बोल के ऐसी एलिगेशंस कोई भी करना हिंदू धर्म का डैमेज करने का इश्यू हो जाता है। जो अभी हम लोगों को भी बहुत लोग पूछता थे दिल्ली में लड्डू मिल रहे वहां पे मिल रहे, हम लोग वहां से जो आता है यहाँ पे प्रसाद देते हैं, हम लोग भी मंदिर में जाते लेते 10 लोगों को तिरुमला बालाजी का प्रसाद बहुत भक्ति से लोग लेता है। इसके ऊपर जो जांच करना चाहिए, जो किया उनको पनिशमेंट करना चाहिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? अभी तक जो आपकी जांच है, आपकी पड़ताल है, उसमें क्या सामने आया? नहीं, अभी तक कोई टेस्टिंग का प्रूफ अभी तक मेरा ख्याल कुछ नहीं आया। जो आना चाहिए तो जी आप अभी जी अपनी बात पूरी। ये पूरा हिंदू लोगों का विश्वास, हम लोग मुंडन करते गांव में ले जाके पूरा लड्डू को थोड़ा पूरा गांव बांटते हैं, वो लोग सोचते हैं भगवान का लड्डू खाने के बाद तिरुमला पहुंचा जैसा,
ऐसा चीज को ये लोग ये किया वो किया क्या किया है ये बाहर आना चाहिए। हिंदू जो सेंटिमेंट पिलग्रिम्स का साथ कोई भी प्ले नहीं करना। मदन मोहन रेड्डी जी, मेरा सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि जो सवाल चंद्रबाबू नायडू ने उठाए हैं, क्या आपके मन में भी उस चीज को लेकर शक है या आप उनके आरोपों को खारिज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बोलने के लिए हमारे पास कोई सख्त नहीं है। हम लोग सीधा भगवान को प्रसाद मानते हम लेते हैं। आज तक कोई ऐसा बात कभी नहीं आया, अभी आ रहे उसका प्रूफ होना चाहिए ना जी। तो जो लैब रिपोर्ट सर्कुलेशन में है, क्या मंदिर ट्रस्ट जो है उसने जांच करवाई है? क्या ये जो रिपोर्ट्स चल रही है सोशल मीडिया से लेकर कई जगह चर्चा में, कौन सा लैब रिपोर्ट? बहुत सारी लैब रिपोर्ट्स जो हैं वो कथित तौर पर कोई भी उनका हेड सा के आज तक वो आजकल न्यूज में मैं देखा कोई प्रेस के सामने नहीं बोला दिस रिपोर्ट वी डन आवर लैब लाइक दैट। एनी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं दिया। ये सर्कुलेट हो रहा है, वो जेन्युइन है, बोगस है, क्या है भगवान को जाना, लेकिन कोई हेड ऑफ द लैब्स लाइक हैदराबाद में है सीसीएमबी लैब, ऐसा लैब से कोई रिपोर्ट नहीं। वो लोग भी फूड टेस्टिंग करते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी लैब है मैसूर में, एक डिफेंस फूड रिसर्च लैब है मैसूर में, उन लोगों से कराना चाहिए अगर कुछ है तो। मेरा ख्याल ऐसा फेमस लैब से कोई आके सामने नहीं बोलता है। लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में मदन मोहन रेड्डी जी, जितनी बड़ी मात्रा में तिरुपति में बालाजी के मंदिर के अंदर प्रसाद बनता है, चढ़ता है, वितरित होता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है अगर घी का इस्तेमाल भी देखा जाए तो, क्या आप ये आश्वासन या भरोसे से कह सकते हैं कि कहीं सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ नहीं हुई है? क्योंकि इतना सारा घी अगर आता है, मिलावट अगर किसी ने करनी चाहिए होगी। या एक आदमी का डिसीजन है, टीटीडी बोर्ड ट्रस्ट पूरा ट्रस्ट मेंबर्स का डिसीजन के साथ टेंडर अवार्ड करता है, जो सप्ले वाला जो है ह्यूज क्वांटिटी में जो कंपनी देता है वही सप्ले करता है। लेकिन सप्लाई में क्या आप लोग कुछ ध्यान रखते हैं, कुछ गुणवत्ता को लेकर कोई मानक है, कोई स्टैंडर्ड है? विजिलेंस वाला क्वालिटी वाला अश्योरेंस वाला होता है, चेक करने वाला होता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर का जो क्वालिटी चेक इन वाला है, क्योंकि एक दिन में हजारों लोग खाना भी खाता है वहाँ, फ्री मील्स भी है, फ्री मील्स में सब बनाते खाना, मॉर्निंग से लेके रात तक पूरा पिलग्रिम्स को खाना डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अभी तक कोई ऐसा कंप्लेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जो इसके लिए आगे दिनों में गवर्नमेंट जरूर हर प्रोडक्शन में पहले घी डालने का पहले टेस्ट लैब होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो टेस्ट लैब होना चाहिए, फूड टेस्टिंग लैब, घी टेस्टिंग। क्या मंदिर ट्रस्ट से भी आप ये मांग और आग्रह करेंगे कि इस तरीके की व्यवस्था अभी तक नहीं थी तो अब हो जानी चाहिए, कम से कम ये टेस्टिंग होनी चाहिए कि कहीं इसके अंदर कोई मिलावट नहीं? हाई लेवल टेस्टिंग लैब एस्टेब्लिश करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पिलग्रिम के साथ कोई ये भावना को दूसरा रूप से नहीं ले जाना, इसलिए रिक्वेस्ट विद गवर्नमेंट इमीडिएटली एस्टेब्लिश टू चेक क्वालिटी ऑफ द घी फूड टेस्टिंग लैब। रेड्डी साहब, लेकिन मैं, आप तो खुद डिफेंस में रहे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो टेस्टिंग की प्रोसेस होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और इस मामले के अंदर अगर स्पष्ट नहीं करता है तो लोगों के मन में शक आ रहा है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, एक देवस्थानम का ट्रस्ट जो है वो ये चैलेंज कर रहा है कि आरोप ठीक नहीं है, लेकिन लोग तो अभी भी सवाल के साथ है ना जी। जी जी, टू थ्री डेज में पूरा आ जाएंगे, जो भी रिपोर्ट है बोथ साइड्स आर चैलेंजिंग, so they are saying reports, this side saying come to Tirumala, will pray in front of God, promise, so this will come out tomorrow, day after tomorrow will come out with clear clarifications. लेकिन आपका ये कहना है कि अभी तक कोई जांच नहीं हुई है और अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है कि इसके अंदर जो है, मेरा क्या कोई नेशनल लेवल लैब नॉट हेड ऑफ द नेशनल लैब्स बाहर आके बोला नहीं है, मेरा ख्याल तो कोई नहीं बोला, आप भी देखा होगा न्यूज में तो कोई नहीं है, ये न्यूज सर्कुलेट हो रहे व्हाट्सएप में, इधर उधर वो बोला ये बोला, वी डोंट नो जी। मेरा एक आखिरी सवाल इस चीज को लेकर, इफ एनीथिंग हैपन डायरेक्टली आप लेके जाइए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब है CFTRA मैसूर, और DFRL है डिफेंस फूड रिसर्च लैब, उसमें टेस्ट करो।
हाँ, टेस्ट करने से मालूम हो जाएगा। पर मैं वही कह रहा हूँ कि आप ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, नेशनल लेवल टॉप फूड रिसर्च लैब नहीं लगता, ट्रस्ट सबसे पहले इस चीज की जांच करवाए और इन्हीं लैब से जांच करवा के सबूत सामने रख दे ताकि किसी के मन में कोई शक न हो। यस यस यस, दैट शुड बी डन। तो ट्रस्ट क्या कर रहा है, क्या आपकी कोई चर्चा हुई ट्रस्ट के नुमाइंदों से? नहीं नहीं, ट्रस्ट नॉट एट फॉर्मड जी, अभी आफ्टर दिस गवर्नमेंट हैज कम, न्यू ट्रस्ट हैज नॉट अपॉइंटेड, ओनली ईओ एंड जेईओ एंड एंडोमेंट मिनिस्टर मे बी टेकिंग केयर ऑफ द टीम। अच्छा, अभी चूंकि पुराना ट्रस्ट भंग हो चुका है, नई सरकार ने नया ट्रस्ट बनाया नहीं है। यस, ओल्ड ट्रस्ट इज नो मोर। तो पुराना ट्रस्ट नहीं है, इसलिए इसलिए अब जिम्मेदारी सरकार की ही ज्यादा बन जाती है। अगर चंद्रबाबू वहां पर सरकार में हैं, तो सरकार को ही जांच करनी चाहिए। यस यस जी, व्हेन यू आर एलिगेशन कर रहे हैं, हम लोग कराना पड़ेगा, जो बोल रहे हैं उसके ऊपर टेस्ट कराना चाहिए। पर सवाल तो जो पहले बोलने का, पहले टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, सरकार आरोप लगा करके इन लोगों का मनोभावना को नहीं करना। आप ठीक से जो भी है टेस्ट एंड टेल। जी जी, तो क्या आप ये मांग करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी सामने आना चाहिए ताकि जितने करोड़ों हिंदू हैं जो ये इस मंदिर में आस्था भी रखते हैं और हिंदुओं की आस्था का भी बांधा है, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, तुरंत इसके ऊपर क्लैरिटी पिलग्रिम्स को, भक्त लोगों को देना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। Yes. बहुत बहुत शुक्रिया मदन मोहन रेड्डी जी हमसे चर्चा Thank करने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, गोविंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।